अब टेलीविजन पर राम और सिया के लव कुश तो आ ही चुके हैं और अब राम और सिया की कहानी लव कुश सुनाएंगे अपने नजरिए से, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले आइए आपको दिखाते हैं प्यारी सी रामलीला। ना ना ना, ये ऑन स्क्रीन नहीं हो रही, ये एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स की बड़ी क्यूट सी रामलीला है। आज दिखेगी राम सिया के लवकुश में अनोखी मगर बहुत ही प्यारी सी राम लीला। सेट पर श्री राम के जन्म के बाद बचपन के कुछ अध्याय की शूटिंग होनी है, किंतु श्री राम रोए जा रहे हैं। वो आज बाल हट पर हैं। कभी उनके पिता उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं तो कभी उनकी माताजी। वैसे सीरियल की कौशल्या माता और राजा दशरथ ने भी प्रयास कर लिया उनके साथ खेलने की चेष्टा की, मगर आज श्री राम बाल हट पर ऐसे बैठे हैं कि रोना बंद ही नहीं हो रहा। हाथ में चॉकलेट भी दे दिया, लड्डू भी दिए, मगर राम को तो बस आज रोना ही है। छोटे दो भाई भरत और शत्रुघ्न खिलौने खेल रहे हैं। उनके लिए हाथी और कबूतर भी हैं, जिन्हें पाकर वो खुश तो हैं, मगर कहीं लक्ष्मण भी श्री राम को रोता देख खुद भी रोना शुरू ना कर दे, इसलिए उनके लिए सेट पर गाना बजना शुरू हुआ। तो गाना सुनकर वो तो झूमने लगे, नाचने लगे, मगर श्री राम तो अपनी हट छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो उन्हें देखकर कुछ पलों के बाद लक्ष्मण ने भी रोना शुरू कर ही दिया। तो उनके पिता तो उन्हें सेट से बाहर ही ले गए मंदिर में दर्शन करवाने, मंदिर की घंटी बजाने। बच्चों के साथ शूटिंग करना कितना कठिन है ये इसी बात से समझ में आ रहा है। ये मजेदार भी होता है और बच्चों की जिद देखें तो थोड़ी सी चिंता भी बढ़ जाती है। वैसे माता सीता भी चिंता में पड़ गई हैं, क्योंकि हनुमान जी यहाँ लवकुश से मिलने आए थे, ऋषि वाल्मीकि से उनकी शिक्षा की बात करने आए थे, मगर उन्होंने लगता है माता सीता की आवाज सुन ली है। तो माता सीता हनुमान से छुप रही हैं, क्योंकि हनुमान की नजरें अपनी माता को ही ढूंढ रही हैं। मेरी माता छुप इसलिए रही है क्योंकि वो नहीं बताना चाहती कि वही सीता है। सब लोगों को ऐसा पता है कि वो एक वन देवी है, हमें भी ऐसा ही पता है कि वो वन देवी है। अगर हनुमान जी को भी पता चल जाएगा तो भी वो देख के पहचान लेंगे कि ये सीता माता है, इसलिए सीता माँ छुप रही है। पर बहुत जल्दी लव कुश दोनों मिलकर राम और सीता को मिलवाएंगे। वैसे माता को इनके आने से पहले ही एहसास हो गया था, जब हनुमान के आगमन मात्र से रामायण पर रखा हुआ वस्त्र उड़ गया था। इसीलिए माता सीता ऋषि वाल्मीकि से प्रार्थना कर रही हैं कि हनुमान को यहाँ बार बार आने से रोकना होगा, अन्यथा श्री राम को समय से पूर्व ही ये पता चल जाएगा कि सीता जी यहाँ रह रही हैं। उमरगाम से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।